Hello everyone, this is Tanuja Gupta. Welcome to my channel and let's discuss the most confusing terminology, back cross versus test cross. Okay, students confuse so many times. Sabko lagta hai ki these are same term, but no, there's a little bit difference. Let's have a look. See, back cross mein hota kya hai? जब हम द रेसेसिव ट्रेट की बात करते हैं, स्मॉल टी वन, ठीक है, तो रेसेसिव ट्रेट में क्या होता है, ये कैरेक्टर अगर हम नेक्स्ट जनरेशन में नहीं चाहते हैं, सपोज ये ट्रेट जो ये वाला जो ट्रेट है वो हमारे लिए यूजफुल नहीं है, तो मैं चाहती हूँ कि नेक्स्ट जनरेशन में ये ना आए ये वाला ट्रेट, ठीक है, तो क्या करते हैं हम उसको डोमिनेंट ट्रेट के साथ क्रॉस कराते हैं इंटेंशली, ठीक है, तो मैंने क्या लिया, होमोजाइगस डोमिनेंट ट्रेट ले लिया, मैंने होमोजाइगस ही है बट ये होमोजाइगस रेसेसिव के साथ मैंने क्या क्रॉस करा दिया, होमोजाइगस डोमिनेंट क्रॉस करा दिया. अब अगर मैं इन दोनों को क्रॉस कराऊंगी तो देखो इसके गैमिट बनेंगे स्मॉल टी एंड इसके बनेंगे कैपिटल टी, ठीक है. अब मैं अगर इसको पुनेट स्क्वायर में रखती हूँ तो लेट्स हैव अ लुक क्या होता है, स्मॉल टी आई एम क्रॉसिंग दिस वन, तो कैपिटल टी स्मॉल टी अगेन कैपिटल टी स्मॉल टी. तो अगर जीनोटाइप तो इसका सब क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी मतलब हेट्रोजाइगस, बट अगर मैं इसका फिनोटाइप देखूंगी तो फिनोटाइप क्या होगा कि ऑल विल बी टॉल, ठीक है, यानी कि ड्रॉफनेस नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन नहीं हुआ, नहीं आया, ठीक है. तो ये क्या है, एक इंटेंशनली अगर मुझे चाहिए कि मेरी नेक्स्ट जनरेशन में मुझे वो ट्रेट नहीं चाहिए, तो इसमें हम डिजायर जो भी हमारी प्रोजेनी है वो प्रोड्यूस करा सकते हैं, डिजायर डोमिनेंट प्रोजेनी हम प्रोड्यूस करा सकते हैं, तो इसमें इट इज कॉल्ड बैक क्रॉस. अब देखते हैं कि टेस्ट क्रॉस क्या होता है. टेस्ट क्रॉस में क्या करते हैं, सपोज ये मदर और फादर, इनसे एक एक गैमीट आया, इनको क्रॉस कराया, क्रॉस करने के बाद यहाँ पे मुझे क्या मिली, F1 जनरेशन, और इसमें सारे प्लांट कैसे थे, टॉल थे, बट अब मुझे ये नहीं पता इसका जीनोटाइप क्या होगा, क्योंकि मदर फादर का भी मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ मुझे पता करना है इसका जीनोटाइप क्या होगा, बट मुझे इसका फिनोटाइप मालूम है. अब टॉलनेस के लिए कौन कौन सा रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, या तो होमोजाइगस डोमिनेंट हो सकता है या हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, इन दोनों में से एक जीनोटाइप हो सकता है, ये तो मुझे मालूम है, बट अब मुझे कंफर्म करना है कि विच वन इज जीनोटाइप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस टाइप ऑफ F1 जनरेशन. ओके, तो चलिए मैं दोनों कंडीशन लेती हूँ, यानी कि मैंने यहाँ पे लिया कैपिटल टी और मैंने इसको क्रॉस करा दिया रेसेसिव ट्रेट से, ठीक है, रेसेसिव ट्रेट से क्रॉस कराया, इसके दो गैमिट बने, इसके भी दो गैमिट बने, और इसको चलो पुनेट स्क्वायर में रखते हैं, रखा इसको यहाँ पे भी रखा, और देखो अभी क्या हुआ, मुझे क्या मिल रहे हैं, ऑल प्लांट आर टॉल, ठीक है, तो ये ध्यान रखना अगर सारे प्लांट टॉल होंगे तो इसका जीनोटाइप क्या होगा, इट विल बी होमोजाइगस डोमिनेंट, मतलब कि अगर मुझे 100% टॉलनेस मिल रहा है या 100% मुझे डोमिनेंट कैरेक्टर वाला फिनोटाइप मिल रहा है तो इसका F1 का जीनोटाइप क्या होगा, होमोजाइगस डोमिनेंट. ओके, अब सपोज मैं ये वाला लेती हूँ, दूसरा वाला, ये वाला, और फिर मैं इसको क्रॉस कराती हूँ, सेम गैमिट बनाएंगे, अब यहाँ पे एक कैपिटल और एक स्मॉल टी गैमिट बना, चलिए इसका स्क्वायर बॉक्स बनाते हैं, पुनेट स्क्वायर. ओके, एंड लेट्स हैव अ लुक, पहले इसको क्रॉस कराएंगे, ओके, देन इसे क्रॉस कराएंगे, तो अब इसमें मुझे क्या मिला, 50% यहाँ पे मुझे टॉल मिला प्लांट, मैं फिनोटाइप की ही बात कर रही हूँ, जीनोटाइप की बात नहीं कर रही हूँ, और 50% मुझे क्या मिले यहाँ पे, ड्रॉफ प्लांट, ठीक है, तो अगर मुझे रिजल्ट ऐसा मिलता है कि उसमें हाफ तो टॉल होंगे हाफ ड्रॉफ होंगे, या 50% टॉल होगा 50% ड्रॉफ होगा, इट सजेस्ट कि जो F1 का फिनोटाइप है वो क्या होगा, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट होगा, ठीक है. तो इसके थ्रू बैक क्रॉस में तो हम एक इंटेंशनली हमारी डिजायर प्रोजेनी पता कराते हैं, सॉरी प्रोड्यूस कराते हैं, और इसमें हम टेस्ट क्रॉस में क्या करते हैं, जो अननोन जीनोटाइप है F1 जनरेशन का वो जीनोटाइप पता करते हैं, किसके थ्रू, कि उसको रेसेसिव ट्रेट से हमेशा हमेशा डोमिन पेरेंट में क्या है क्या नहीं है, जस्ट फॉरगेट दैट वन, हमेशा हम उसको रेसेसिव होमोजाइगस रेसेसिव से क्रॉस कराएंगे, ठीक है, तो उसके बेसिस पे जो भी रिजल्ट मिल रहा है उसके बेसिस पे हम फिनो इसका जीनोटाइप पता करते हैं. तो दिस इज द डिफरेंस ऑफ इन बिटवीन बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस. टेस्ट क्रॉस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ बैक क्रॉस, ध्यान रखना, टेस्ट क्रॉस
इज अ टाइप ऑफ बैक क्रॉस. ये क्या है हमारे, ये हम मैनिपुलेट करके कुछ क्रॉसेस करा रहे, ठीक है. दीज आर नॉट नेचुरली क्रॉस. ओके फाइन. सो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस. आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. इफ यू रियली अंडरस्टूड प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल. सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक्स अ लॉट.